खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन बड़ी खबर खातेगांव से सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे में पूर्व सरपंच जगदीश मीणा की मौत हो गई है। वहीं इस दुर्घटना में उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के बाद में रिफर कर दिया गया। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ते हैं। किस तरीके से ये सड़क हादसा सामने आया, पूरी घटनाक्रम को स्पष्ट करें। देखिए सर, क्या है कि लगातार इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग जो है काफी व्यस्ततम मार्ग है, और मार्ग के दोनों ओर कई बार लंबे समय तक वाहन खड़े रहते हैं, और यहीं पर एक रेत नाका जो है लगा हुआ है संदलपुर से आधा किलोमीटर के दूर पर, तो उसके कारण भी कई बार जब ये इस पर जो चेकिंग होती है वाहनों की, रेत के वाहनों की, उसके कारण भी जाम लगा रहता है, और उसके कारण फिर जो वाहन चालक एकदम निकलते हैं तो उससे भी जो छोटे वाहन है जो ओवरटेक करने का प्रयास करते हैं, और इसी चक्कर में कल एक अज्ञात वाहन ने, ये सरपंच जो है जगदीश मीणा जी, ये अपने खेत में जा रहे थे अपने पुत्र के साथ शाम को 4:30 बजे के करीब, तो उन्हें एक ओवरटेक कार ने टक्कर मारकर और फरार हो गया जी। तो ये पूरा मौत की सूचना भी प्राप्त हुई है, और घायलों की संख्या कितनी है? घायल जो उनका पुत्र था जगदीश मीणा जो सरपंच साहब, जिनकी तो मौके पर ही मौत हो गई थी, और उनका पुत्र जो है कपिल को गंभीर अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद जो है रेफर किया था। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।